आमला नवमी व अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। वैसे तो दीपावली से ही शुभ त्योहारों का सीजन शुरू होता है। कार्तिक नवमी का एक अलग ही महत्व है। जिनकी संतान नहीं होती या जिनके परेशानी व्यापारिक परेशानी है, तो वो कार्तिक नवमी यानी अक्षय नवमी की जो है पूजा करते हैं। इसे आमला नवमी भी बोलते हैं। इसमें आमले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसकी एक पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले काशी में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे ब्राह्मण की पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन किसी ने उसे भैरव बाबा की बलि देने का विचार दिया। अगर वो भैरव बाबा की बलि देगी तो उसके यहाँ संतान अवश्य होगी। वो एक बच्चे की तलाश में घूमती रहती थी। एक दिन एक कुएं पर एक छोटी सी लड़की उसे मिल गई। वो लड़की कुएं पर पानी भर रही थी। उसने जाकर के उस लड़की को डक्का दे दिया और भैरव बाबा के नाम की बलि दे दी। इससे उसके संतान ना होने की जगह पर उसे कष्ट हो गया, यानी उसका प्रभाव जो है विपरीत हुआ। उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, तरह तरह की वेदनाएं सहने लगी। ऐसे दुखी होकर के एक दिन एक ऋषि के पास गई। ऋषि ने उसको मथुरा में जाकर के आमला नवमी के व्रत की विधि बताई कि वो मथुरा में जाकर के आमला नवमी का व्रत करे, कथा पढ़े, कथा सुने, तो उसका ये दुख दूर हो सकता है। ब्राह्मण की पत्नी काशी से चल कर के मथुरा आई। मथुरा आकर के उसने ऋषि को प्रणाम किया। वहाँ पर एक आश्रम में आमला नवमी का व्रत किया, कथा की विधि विधान से पूजन किया। भगवान कृष्ण की कृपा से यहाँ एक सुंदर पुत्र हुआ। उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उसका जो शरीर था वो भी दिव्य हो गया। आमले के पूजन के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से उसकी देह कंचन जैसी हो गई। उसकी सभी वेदनाएं खत्म हो गईं। तभी से जो है आमला नवमी का जो है व्रत होता है। और एक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण आमला नवमी वाले दिन भगवान कृष्ण गोकुलपुरी को छोड़कर के मथुरा में आए थे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल आमला नवमी की।